Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग जो है अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। और जो लोग जो है अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया कीजिए कि लाइव सेशन को देखा कीजिए, ताकि जो है जो जहाँ पर भी आपको समस्या हो आप जो है हमको डायरेक्ट बता सकें। और जैसा कि अगर जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग अगर इसको नहीं देखेंगे तो फिर हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वैसे ही बना रहा हूँ। भाई, आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास किया कीजिए, ठीक। तो और अगर देखा कीजिए, समझ में आया करे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो जैसा कि आज हमारा जो है फिजिक्स चल रही है, इंटर की जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आज हम लोग जो है हमने बताया कि चूंकि आप इसकी अलग से नोट्स बना लीजिएगा, जो आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा उसे आप तैयार कीजिएगा। जो मैं ये नोट्स बनवा रहा हूँ ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोग जो है उसके पहले कुछ ऊटपटांग खरीदते हैं, ऊटपटांग का मतलब हो गया अवतार खरीदते हैं, विद्या खरीदते हैं, तो ये सब जो खरीदते हैं उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स की। जितना मैं बता दूंगा हर चीज आप अनसॉल्व पेपर केवल खरीद लीजिएगा और वहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको हर चीज जो है मिल जाएगी। तो आज हम लोग अपना फिजिक्स का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब जो पढ़ा रहे थे उसी के आगे। तो पहला ही चैप्टर हमारा रहेगा, लेकिन टॉपिक जो रहेगा वो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा अभी बताता हूँ। तो इसके लिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि अभी ही देखें, लेकिन आप उसको नोट्स जब बनाइएगा तो एक क्रम से बनाइएगा, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि पहले चैप्टर में हमको कितना पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर में हमको कितना पढ़ना है, थर्ड चैप्टर में हमको कितना पढ़ना है। और आरके वाई सर की क्लास इसलिए नहीं चल रही क्योंकि उनका कहना था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी हम बनाएंगे। तो क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए जो सिंथेसिस, सिंटैक्स और जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर जो है उनकी वीडियो पड़ी हुई है उनको अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो उनको मैं फिर से मनाऊंगा कि आप वो जो है वीडियो बनाएं और बच्चे उनका वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत बल रेखाएं। आखिर ये वैद्युत बल रेखाएं है, ठीक, आखिर ये वैद्युत बल रेखाएं है क्या, या फिर वैद्युत क्षेत्र पहले समझ लीजिए। तो जब आप वैद्युत क्षेत्र समझ लेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं समझ लेंगे। तो प्रश्न में जैसे कि मैं देखा था 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए, तो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आज वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र समझ लीजिए क्या है। एक आप थोड़ा कहानी की टाइप में पहले सुनिए, एरिया सुने होंगे, कहीं देखा हमरे एरिया मावत तो का बताइए, हमरे एरिया मावत तो का बताइए, एक मतलब क्या था, मतलब कि प्रत्येक आदमी का एक क्षेत्र होता है जहां पे उसकी पॉपुलरिटी थोड़ा ज्यादा होती है, जहां पे उसके संपर्क में बच्चे ज्यादा होते हैं, जहां पे उनकी धाक रहती है जिसको आप बोलते हैं। तो वही क्राइटेरिया जो है, अर्थात वो कहते हैं ना कि गली का कुत्ता भी स्थिर होता है। तो मतलब क्या हुआ कि अपने एरिया में, अर्थात अगर कोई व्यक्ति ये है और इसका क्राइटेरिया ये है, इतने क्षेत्र में इसकी पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अगर कोई भी आएगा, मतलब दमदार आदमी आएगा तो इसको जरूर पता चलेगा। तो वही चीज है वैद्युत क्षेत्र, ये जो एरिया है ना यही वैद्युत क्षेत्र है। इसको हम समझेंगे कैसे, परिभाषा के रूप में समझिए, किसी चूंकि हम जान रहे हैं वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा हमारा वो आवेश से बनेगा, किससे बनेगा, आवेश से बनेगा, और आवेश का मतलब होता है क्यों। तो समझिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र,
ध्यान से सुनिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आए तो वह एक बल का अनुभव करे। मतलब कि अगर यह आवेश है और इसका क्षेत्र हम मान लेते हैं कि ये इसका क्षेत्र है, जब तक कोई आवेश यहां पे रहेगा तब तक इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर रहेगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगा कोई आवेश तो इसको इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, था इसको प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, दोनों के बीच में एक बल कार्य करेगा, जो कि आपका जैसे मैंने कूलाम के नियम में बताया था कि बल किस प्रकार का हो सकता है, तो बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आपका आकर्षण बल हो सकता है और या तो आपका प्रतिकर्षण बल हो सकता है। मतलब कि जब कोई आवेश किसी आवेश के संपर्क में आता है ना, तो वह एक बल का अनुभव करता है, और वो कौन सा बल रहता है, मतलब अगर दोनों प्लस आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों माइनस आवेश रहेंगे तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक अगर प्लस है एक माइनस है तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर एक माइनस एक प्लस है तब भी आकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम परिभाषा अगर समझे तो आप लोग परिभाषा लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र की, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर, जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जहां पर कोई अन्य आवेश लाने पर एक बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ये तो हमने बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब अगला परिभाषा समझिए वैद्युत बल रेखाओं की, कि आखिर वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या। देखिए वैद्युत बल रेखा, अब जैसे आप समझ रहे होंगे इसमें एक शब्द मिला है रेखा, तो आप सोच रहे कि जो है जो हमारी वैद्युत बल है उसी की एक रेखा ऐसे होती होगी, वही रेखा जो है, तो क्या कहीं आपको रेखा दिखती है? दिखती नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा होती है। मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं है क्या, तो वैद्युत बल रेखा जो है यही जो भी हमने वैद्युत क्षेत्र बताया ना, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है। ठीक, क्या बताया हमने कि वैद्युत बल रेखा जो है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक और निष्कोण वक्र है। मतलब कि उसमें कोई कोण नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारा कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो भाई, एक प्लस एक माइनस, ये मान लीजिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तब ऐसा नहीं है कि किसी कोण पर रेखा चले, अर्थात रेखा जो वैद्युत बल रेखा चलेगी वो किसी कोण पर नहीं चलती है। ठीक, वो हमेशा जो है लचीले टाइप में चलती है, लचीली रहती है, अर्थात अगर आपकी चलेगी बल रेखा तो इस प्रकार चलेगी, अगर बल रेखा चलेगी तो इस प्रकार चलेगी, अगर चलेगी तो इस तरह चलेगी, अगर चलेगी तो इस तरह चलेगी। मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या है, आप एक बार परिभाषा समझ लीजिए कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। तीन चीज मैंने बोला, काल्पनिक, दूसरा बोला निष्कोण, तीसरा बोला वक्र, तीनों का मतलब समझिए। काल्पनिक का मतलब कि कहीं देखने पर आपको दिखेगी नहीं, जिसकी केवल कल्पना की जा सकती हो, ठीक, वही काल्पनिक है। और निष्कोण, निष्कोण का भी हमने बताया कि किसी कोण पर वो रेखा नहीं चलती है। तीसरा हमने क्या बताया, वक्र, वक्र का मतलब क्या हुआ कि ये आकार जो है अर्थात लचीली घुमावदार दिशा में चलती है, तो ये जो घुमाव होता है यही आपका वक्र कहलाता है। तो हमने तीन चीज बताई, मैंने कहा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप केवल सुनिए तो आपको परिभाषा अपनी आप याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला मैंने कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व एकांक धन आवेश चलता है, जिस पर एक स्वतंत्र व एकांक धन आवेश चलता है। पंकज, समझ में आ रहा है सर? मोहित, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मोहित, आशीष गुड मॉर्निंग। आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए,
आप लोगों के कमेंट में इसलिए नहीं देख पाता हूँ क्योंकि पढ़ाने में जब पढ़ाने लगता हूँ तो स्क्रीन इधर लगी हुई है, इसलिए देखने में थोड़ा, अब जब उसको देखता हूँ तब जो है समझ में आता है कि हाँ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग मोहित, आशीष, दिलीप, पंकज, पुष्पेंद्र, आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। देवेश, ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हमने बताया कि वैद्युत बल रेखा, क्या बताया हमने, सुनिएगा, वैद्युत बल रेखा, आप लोग परिभाषा लिखिए, वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व एकांक धन आवेश चलता है, एक स्वतंत्र व एकांक धन आवेश चलता है, ठीक। उसके बाद इसी के आगे लिखिएगा, परिभाषा में ही लिखिएगा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चलिए समझते हैं, अभी हमने क्या बोला लास्ट में, बोला कि किसी भी, मतलब कि जो आपकी बल रेखा होती है इस पे जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो वो जो स्पर्श रेखा होती है वो जो है आपके धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, लगने वाले बल के दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चलिए हम आगे लिखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है और इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो सबसे पहली हेडिंग आप ये समझिएगा कि वैद्युत बल रेखा जो है, आप जो है चित्र भी बनाइएगा, ठीक, आप एक चित्र बनाइएगा फिर नीचे एक पॉइंट लिखिएगा। देखिए, क्योंकि बच्चे सभी लोग लिखते हैं, ये परिभाषा सभी लोग लिखेंगे, नंबर अर्थात कॉपी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कॉपी किस तरह लिखी जाए। तो चूंकि जब बोर्ड एग्जाम आप करेगा तो मैं बताऊंगा कॉपी किस प्रकार आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप स्टार्टिंग से ही जानते रहिए तब आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो जैसे कि हमको गुण लिखना है, तो हम ये जान रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर, धन आवेश से बाहर की ओर या धन आवेश से दूर की ओर निर्दिष्ट होती है और ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश ये दोनों चित्र आप बना लीजिएगा, ऐसे बगल बगल बनाइएगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि जो आपकी बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर, लिखिए वैद्युत बल रेखाएं, पहले पॉइंट में आप लोग लिखिएगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर, क्या बताया हमने, धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर निर्दिष्ट होती हैं, मतलब आती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश दूर की ओर और ऋण आवेश की ओर निर्दिष्ट होती हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आप लोग गुण नंबर दो लिखिएगा, गुण नंबर दो, दूसरा क्या है आपका, समझिएगा, पहले चित्र समझ लीजिए उसके बाद आप लिखिए। भाई हमने बताया एक आपका प्लस रहेगा एक आपका माइनस रहेगा, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं धन आवेश चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं,
धन आवेश से चलकर, तो तीर का निशान जो लगेगा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर लगेगा। ठीक, तो हमने क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। हम देख रहे हैं धन आवेश से चल रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। पहला हमने क्या बताया था, पहला बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से दूर की ओर निर्दिष्ट होती हैं, धन आवेश से दूर की ओर निर्दिष्ट होती हैं और ऋण आवेश की ओर, देखिए मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ऋण आवेश की ओर निर्दिष्ट होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आप लोग जब बनाइएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा जो कि आपका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 2 तो आप लोग लिख लिए होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 क्या है समझिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखेगा, वैद्युत बल रेखाओं का गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अभी जब चित्र आप लोग बनाइएगा तो एक चीज याद रखिएगा कि कहीं चित्र ऐसा ना बना दीजिएगा कि चित्र बनाइएगा तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काट दिया, यहाँ पे एक दूसरे को काट दिया, तो इसका जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, स्पर्श रेखा इस पर नहीं खिंचाएंगे। तो इसीलिए जो है वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये हमारा गुण नंबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। इसके बाद जो है अगला गुण देखिए, गुण नंबर 4, अगला गुण लिखिएगा आप लोग गुण नंबर 4। चौथा गुण क्या है आप लोग समझिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक, डोरी की तरह, तो सिकुड़ने का तो इसमें एक पॉइंट आउट होगा, लंबाई के प्रति, ठीक, लंबाई के प्रति। मुकेश, आशीष, दीपक, सर एक बार फिर से बोलिए, हाँ दीपक मैं फिर से बोल रहा हूं कि वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, वैद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। लिख लिया दीपक आपने, ठीक है, ठीक। तो इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो इसके लिए जो है अगर आप लोग चित्र बनाना चाहें तो एक चित्र आप बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2 आपका प्लस आवेश है तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी ना वो हमेशा जो है दूर की ओर चलेगी। ओ देखिएगा, ठीक, और यहां पे जब चलेंगी तो यहां भी दूर की ओर, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक, तो ये चीज है, तो ये हमारा कैसे चौथे पॉइंट का चित्र यही रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि एक प्लस आवेश है और एक, मतलब दोनों आपका समान आवेश है, और हमने कहा कि वैद्युत बल रेखाएं समान आवेश मतलब धन आवेश से दूर की ओर जाती हैं। तो भाई ये धन आवेश है इससे भी दूर की ओर जाएगा, ये धन आवेश है इससे भी दूर की ओर जाएगा। यही चीज है, देखिए कभी कभी आप लोग चुंबक जो आता है उसको अगर आप तोड़ दीजिए तो जिस एंगल से वो टूटा रहेगा उसको जब आप दोबारा जोड़ेंगे ना तो जोर लगाना पड़ता है, और जोर लगाएंगे भी तब भी जब छोड़ेंगे तो वो तुरंत दूर भाग जाएगा। उसका कारण यही है कि चूंकि जब उसको तोड़ते हैं आप, दोनों में समान आवेश हो जाता है जहां से टूटता है वो, तो ये चीज है कि समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये था हमारा वैद्युत बल रेखाएं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं। पंकज, दिलीप, आशीष, देवेश, समझ में आ गया सर? देखिए आप लोग जो है इसको अगर देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये तो फिक्स है।
कि अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। देखिए गर्मी लग रही होगी, आपको पता होगा कि पसीना दिख रहा होगा उसमें, तो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरा बनाने का क्या मतलब रह जाएगा बताइए। तो इसलिए आप लोग इसको देखा करिए और शेयर भी कीजिए, आपके जितने मित्र हैं जो आपके सेक्शन के हों, आपके क्लास के हों, उनको भेजिए कि देखिए वो लोग भी पढ़ें। ठीक, तो चलिए, तो अगली जो हेडिंग है हमारी सबकी, वो अगली हेडिंग रहेगी बैतूल क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग हमारी सबकी रहेगी बैतूल क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बैतूल क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपको बताते हैं। देखिए बैतूल क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग पढ़ेंगे, इसको जो है एक फार्मूले से इसका सूत्र हम निकालेंगे, मतलब इसकी परिभाषा। ये सूत्र अभी आप लोग मत लिखिएगा, अभी आप लोग इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। जहां पे जो क्यू नॉट है ना, ये आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। तो देखिए ई बराबर यफ अपान क्यू नॉट, यफ आपका बल है, यफ आपका बल है यानी कि फोर्स है, और क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश है। तो समझिएगा, दिलीप हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मुकेश हेडिंग डाल लीजिए। तो देखिए बैतूल क्षेत्र में, बैतूल क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, भाई अगर बैतूल क्षेत्र में कोई आवेश रहेगा तो उसके बीच में कोई बल लगेगा, तो वही चीज है आपका कि बैतूल क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, किसी मतलब बैतूल क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब अनुपात। ठीक, क्या बोला हमने कि किसी बैतूल क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को बैतूल क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझदायक नहीं, क्या बोला हमने कि किसी बैतूल क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को बैतूल क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई बराबर लिख लीजिएगा यफ अपान क्यू नॉट, ये आपका सूत्र है। यहाँ पे यफ आपका बल है और क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश है। तो ये चीज था, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने जो है बैतूल बल रेखा पढ़ा, बैतूल क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा, और कल से हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे, और वो चर्चा आपकी क्या रहेगी, किसी बिंदु आवेश के कारण बैतूल क्षेत्र की तीव्रता, इसका निगमन हम लोग कर पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण बैतूल क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।